Hello, children, welcome again to your maths class. I am Poonam Bhagga back with you. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. In our previous video, we completed exercise 6.4 in which we had questions based on areas of similar triangles. Now, today, we will discuss the Pythagoras theorem, and we all are very much familiar with this theorem. We know that Pythagoras' theorem is applicable in case of right angled triangles, and the side opposite to this 90 degree angle is called the hypotenuse. And then this side is said to be the perpendicular, and this side as the base. We can also call this side as base and this one as perpendicular, depending on the question. And now the Pythagoras' theorem states that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. If we name the triangle as triangle ABC. Where B is the right angle here, then hypotenuse square, this means AC square, this is equal to AB square plus BC square. This is the Pythagoras theorem which we have been using often in our smaller classes also, we have been using it, and now today we will be proving this theorem. And to prove this theorem, we will be using the concept of similar triangles again to prove this theorem first we need to prove one more result one more theorem which states here that if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other to understand this first we need to draw a right triangle let us draw it let us draw in this way in this way, let it be a right triangle. In this way, we name it as ABC. This is the 90 degree angle. Now, what has been said? A perpendicular is drawn from the vertex of the right angle. वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इट इज दिस वर्टेक्स बी ये राइट एंगल का वर्टेक्स है यहाँ पर बी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है टू द हाइपोटेन्यूस आप देख सकते हैं ये ए सी हाइपोटेन्यूस है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें कुछ इस तरह से मेकिंग एन एंगल ऑफ नाइंटी डिग्री लेटस्ट नेम इट एस पॉइंट डी दिस इज परपेंडिकुलर देन वॉट वी सी य द ट्राएंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पर्पेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राएंगल एंड टू ईच अदर अब आप देखिए इस पर्पेंडिकुलर की दोनों तरफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो ट्राएंगल है लेफ्ट साइड पर ये भी कम्प्लीट ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगा और ये जो राइट साइड पर ट्राइंगल बन रहा है बी डी सी ये भी सिमिलर होगा कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी के ये यहाँ पर कहा जा रहा है और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी बी दिस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी दिस इज़ अगेन सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी ये यहाँ पर रिजल्ट बताए जा रहे हैं कि अगर हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल के जो ये वर्टेक्स है राइट right एंगल का यहाँ से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ऐसे में इस परपेंडिकुलर की दोनों साइड्स में जो ट्रायंगल बनते हैं ये दोनों ही ट्रायंगल्स ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं यहाँ ये बात कही जा रही है नाउ वी विल बी प्रूविंग दिस स्टेटमेंट दिस थ्योरम फॉर दिस फर्स्ट वी विल राइट वॉट इज़ गिवन नाउ टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड दिस ट्राएंगल द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राएंगल चाहिए और उसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी तो इसी ट्राइंगल की हेल्प से हम प्रूव करेंगे सबसे पहले लिखेंगे वॉट इज गिवेन एंड देन वॉट वी हैव टू प्रूव वी राइट हियर गिवन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट बी ये राइट एंगल है पॉइंट बी पर ऑल्सो हियर बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी देखिए आप बी डी परपेंडिकुलर है एसी के ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दीज ट्राइंगल एस सिमिलर वी स्टार्ट द प्रूफ फर्स्ट वी विल टेक दीस टू ट्राइंगल्स ट्राएंगल ए डी बी एंड ट्राएंगल ए बी सी वी राइट हियर इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी हाउ टू प्रूव देम सिमिलर वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे देखिए आप A, D, B, ये 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 लेफ्ट साइड का जो है 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 और कंप्लीट कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं तो अब आप देखिए यहां पर एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट करके देखना चाहें दिस इज एंड देन दिस इज ए बी सी अगर दोनों ही ट्रा एंगल्स को आप सेपरेट करके देखें तो क्या देख रहे हैं एंगल ए जो है वो दोनों में सेम है कॉमन है तो इक्वल होगा ही सो वी कैन राइट हीयर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे अलग अलग सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं अदरवाइज दे आर मेड वन इन साइड द अदर एक के अंदर एक बने हुए हैं तो इसलिए ये कॉमन एंगल है दोनों में सेम है और ये इक्वल होगा देन हियर वी कैन से दिस एंगल इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड इन दिस ट्राइंगल दिस इज ऑफ मेजर 90 डिग्री हियर यू कैन सी ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ से ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है सो वी कैन राइट एंगल ए डी बी दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है ये 90 क्यों है क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के इसलिए ये 90 डिग्री एंगल है और ऐसे ही एंगल बी 90 डिग्री दिया ही हुआ है अपने आप ही पहले से ही सो दिस टू आर इक्वल टू 90 डिग्री नाउ बाय ए रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए डी बी दिस इज सिमिलर टू ट्राएंगल ए बी सी गिव द रीज़न बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन

सेकेंड रिजल्ट इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी जस्ट लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स बी डी सी दिस राइट साइड ट्राइंगल बी डी सी एंड देन कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी अगेन यू हैव टू लुक आउट फॉर टू सेट्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स विच आर इक्वल एंड देन यू कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए रूल यहां पर फिर से हम दो सेट ऑफ एंगल्स ढूंढेंगे जो इक्वल हो आपस में तो देखिए आप angle c it is common to both the triangles angle c angle c so we write here angle c is equal to angle c give the reason common angle then here in this triangle this is of measure 90 degree this one and then this one is of measure 90 degree so we write here angle b d c this is equal to angle a b c both equal to 90 degree एंड सो बाई ए ए रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए एरिटी आई होप इट्स क्लियर तो हमने क्या प्रूव कर दिया है हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल है ये ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर है ऐसे ही हमने प्रूव कर दिया राइट right साइड का ट्राइंगल जो है ये भी ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर है वी राइट दीज टू रिजल्ट To prove the third one, we have triangle ADB similar to triangle ABC and triangle BDC similar to triangle ABC. These two triangles are similar, we have proved. And now, if this triangle is similar to triangle ABC and then this one is also similar to triangle ABC.

तो इस रिज़ल्ट को एक बार अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट right एंगल का जो वर्टेक्स है वहाँ से हाइपोटेनिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ऐसे में दो ट्राइंगल्स बनते हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं यही बात यहाँ पर कही जा रही है नाउ वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट टू प्रूव द थ्योरम। लेट्स सी इन अर राइट ट्राइंगल द स्क्यर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्स ऑफ द अदर टू साइड्स अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ऐसे में इफ वी ड्रॉ इट इन दिस वे देन वॉट वी कैन से दैट इफ इट इज ए बी एंड सी एंड दिस इज ऑफ मेजर नाइंटी डिग्री देन द स्क्यर ऑफ द हाइपोटेन्यूस यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूस है ए सी तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स अदर टू साइड्स क्या हैं ए बी और बी सी इनके स्क्वायर का सम लेना है इसके इक्वल है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम जो हम पहले से ही जानते हैं नाउ वी विल बी प्रूविंग दिस थ्योरम फॉर दिस अगेन फर्स्ट वी विल राइट व्हाटएवर इज गिवन We write here given a right triangle ABC right angled at B. You can see this is a right angled triangle in this way we have drawn and this is the right angle B. Then we have to prove AC square is equal to AB square plus BC square. First we will do one construction. Construction. We will be drawing one perpendicular from vertex B. टू द हाइपोटेन्यूस ये हाँ वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हाइपोटेन्यूस ए सी पर वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इन दिस वे वी विल बी ड्रॉइंग वन परपेंडिकुलर वी नेम दिस पॉइंट एज डी एंड दिस इज द नाइंटी डिग्री एंगल परपेंडिकुलर सो वी ड्रॉ हियर ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी This construction we will be doing. Now we will be proving this result. Proof. देखिए आप, यहाँ पर हमें चाहिए AB square और BC square. इन पर focus करते हैं. AB square. अब AB square लाने के लिए हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स लेने होंगे जिनमें AB कॉमन साइड हो. तो आप देखिए AB जो है complete triangle ABC की भी साइड है और triangle ADB की भी साइड है. तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेंगे कौन से? ये लेफ्ट वाला और ये कंप्लीट ट्राएंगल ए बी सी सो वी राइट हियर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय द थ्योरम दैट वी प्रूव्ड जस्ट नाउ अभी जो हमने प्रूव किया है उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी ये लेफ्ट साइड का ट्राएंगल सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्राइंगल के क्योंकि यहाँ पर हमने राइट right एंगल का जो वर्टेक्स है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है टेनिस पर और ऐसे में ये लेफ्ट साइड ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राएंगल एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड टू बी इक्वल अब हम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि हमें ए बी का सेट मिल जाए दोनों ही केस में देखिए यहाँ पर ए बी है यहाँ पर ए डी है सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए डी अपॉन ए बी दिस विल बी इक्वल टू नाउ वी नीड टू राइट ए बी अगेन टेक हीयर एंड फ्रॉम हेयर ए सी सो दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हम उन्हीं सेट्स को ले रहे हैं जहाँ पर हमें ए बी मिल जाए फ्रॉम हेयर वी कैन टेक ए बी इंटू ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी ए बी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू हि ए सी इंटू ए डी ये समझ रहे हैं आप ए सी इंटू ए डी हो गया यहां से ए बी इंटू ए बी ए बी स्क्वेयर गिव द रीजन वाई दीज टू रेशियोज आर इक्वल सिंस करस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स are in same ratio or they are proportional whatever you want you can write. So, due to this reason as these two triangles are similar we can take the ratio of corresponding sides equal and here we are focusing on the side AB and then we are getting these two ratios equal from here we get AB square equal to AC into AD. Let this be the first result. Now, next we will focus ऑन टू ट्राइंगल्स विच हैव बीसी एस द कॉमन साइड आप देखिए बीसी स्क्वायर चाहिए तो ऐसे दो ट्राइंगल्स देखेंगे जिनके केस में बीसी कॉमन साइड हो ऑब्वियसली इट शुड बी द राइट ट्राइंगल बी डी सी एंड देन दंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी हम इन ट्राइंगल्स को लेंगे और हमें पता है ये दोनों भी सिमिलर होंगे अभी हमने प्रूव किया था थ्योरम में तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं वी राइट हिऑलो सिमिलरली

DC upon BC, this will be equal to again here we have to take BC from here and then AC from here. BC upon AC. This implies that here we can take by cross multiplying BC square is equal to AC into CD or DC whatever you want you can write. Let this be the second result. नो वट वी हैव टू डू वी हैव टू टेक देयर सम ए बी स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ फर्स्ट रिजल्ट में बीसी स्क्र की वैल्यू हमने ले ली यहाँ से और अब हमें ये रिजल्ट लाने के लिए दोनों को एड करना होगा सो वी राइट हियर एडिंग टू वी गेट लेटे टेक द एल एच एस हियर वी हैव सी ए बी स्क्वेयर एंड देन हियर वी हैव बी सी स्क्वेयर सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वायर ये तो हो गया लेफ्ट साइड दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम हियर ए सी इंटू ए डी ए सी इंटू ए डी प्लस हियर वी विल हैव ए सी इंटू सी डी ठीक है हमने दोनों तरफ में यहाँ एल एच एस पार्ट ऐड कर दिए दोनों इक्वेशंस के और यहाँ पर आर एच एस पार्ट ऐड कर दिए अब आप देखिए आर एच एस में ए सी इट इज कॉमन टेक इट आउटसाइड ए सी इंटू हेयर वी विल हैव ए डी Plus CD, and now what is AD plus CD? Just have a look in the figure. AD plus CD, they kya hai? length AC, and so in place of this we can write AC. Give the reason. Since AD here we need to write AD plus CD, this is equal to AC, and now this is equal to AC square and this is the result which we were required to prove we can write here this implies that ac square is equal to ab square plus bc square hence proved this is the famous pythagoras theorem i hope it's clear ek se chalte hain dekhte hame ek right triangle diya right angle at b and then we have to prove AC square is equal to AB square plus BC square. This is nothing but the same result. Hypotenuse square is equal to the sum of the squares of the other two sides. Now, for this, we constructed here we dropped one perpendicular BD on the hypotenuse AC, and then we know that this left triangle. ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के और यहाँ से हमें करस्पोंडिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल गए यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला ए बी को लेते हुए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इन टू ए डी इसी तरह से ट्राइंगल बी डी सी ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के और इससे फिर से करस्पोंडिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इन टू सी डी अब क्योंकि हमें दोनों का सम लेना था तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया एल पार्ट ऐड कर दिए आर पार्ट ऐड कर दिए यहां से ए कॉमन ले लिया एंड देन हियर वी हैव ए डी प्लस सी डी एंड दिस इज नथिंग बट ए सी एंड सो दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वेर एंड सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी वर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस सेम थ्योरम दिस पाइथागोरस थ्योरम वॉज मच अर्लियर गिवन बाय एन एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन नेम्ड बोधायन एंड सो दिस पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोधायन थ्योरम Named after the ancient Indian mathematician Bodhayan, who gave this result in the form the diagonal of a rectangle produces by itself the same area as produced by its both sides, that is, length and breadth. What does this mean? If we take a rectangle, say, and then we draw one of its diagonals also, let us draw its diagonal also in this way. डायगनल प्रोड्यूस बाई इल्फ द सेम एरिया जो डायग्नल है वो बाय सेल्फ जो एरिया प्रोड्यूस करता है जब हम डायगनल को डायगनल से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एरिया प्रोड्यूस होगा और ये एरिया सेम होगा जो प्रोड्यूस होगा बाय बोथ साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ ऐसे ही लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एरिया प्रोड्यूस होगा और ऐसे ही ब्रेथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एरिया प्रोड्यूस होगा तो इन दोनों साइड से जो एरिया प्रोड्यूस होगा उनका सम इक्वल होगा जो एरिया डायग्नल से प्रोड्यूस हो रहा है और आप जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो एक्चुअली ये वही पाइथागोरस थ्योरम है जो बोधायन जी ने इस फॉर्म में दी थी सो दिस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोधायन थ्योरम नाउ वी विल डील विद द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागरस थ्योरम नाउ दिस इज अ थ्योरम जस्ट ऑपोजिट टू द पाइथागरस थ्योरम लेट अस सी व्हाट इट स्टेट्स इन अ ट्रायंगल इफ स्क्र ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑफ द अदर टू साइड देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल लेट इस नाउ इंटरप्रिटेड यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ट्राएंगल में एक साइड का स्क्वेयर लेट इट बी साइड ए सी ए सी का स्क्वायर ले लिया हमने अगर ये इक्वल है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के अब रिमेनिंग टू साइड्स क्या हो सकती है यहां पर ए बी ए बी स्क्वायर एंड दिस वन विल बी बी सी नाउ इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू रिमेनिंग साइड्स देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड ये फर्स्ट साइड है इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा ए के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो होगा एंगल बी वो एंगल होगा नाइन्टी डिग्री का और ऐसे में ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी ये आपका होगा राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा सो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो कुछ इस तरह से तो ये 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनुस और ये साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है इस राइट right ट्राइंगल की ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनुस द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर ऑफ दिस लॉन्गेस्ट साइड अगर हम इसे नाम दे रहे हैं ए बी सी तो जो ये लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के अगर ये 90 डिग्री है तब यहाँ पर पहले से ही हमें ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और जब ये एंगल 90 डिग्री है तब इसके ऑपोजिट जो साइड है जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायेयर प्लस बी सी स्क्वायर डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस बी इट इज द वर्टेक्स यर ऑफ राइट एंगल दिस इज पॉइंट बी हीयर समझ में आ रहा है इसी का रिवर्स क्या कह लीजिए अपोजिट है ये थ्योरम यहाँ पर हमें एंगल नाइन्टी डिग्री है ऐसा नहीं बताया जा रहा है पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो साइड्स हैं उनके बीच में ये रिलेशनशिप है और ऐसे केस में जब भी किसी ट्राइंगल की साइड्स के बीच में ये रिलेशनशिप हो तो ये जो साइड है इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और फिर इससे हम कह सकेंगे ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल है यहाँ पर ये जो साइड होगी ये ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी ये भी आपको पता होना चाहिए आप ध्यान रखेंगे तो अब आने वाले समय में जब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आपको कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल प्रूव करना होगा तो एक्चुअली आपको ऐसी रिलेशनशिप साइड्स के बीच में इस्टेब्लिश करनी होगी अगर आप ऐसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो आप कह सकेंगे कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा और तब ये ट्राएंगल राइट ट्राइंगल होगा अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे उसके लिए इसी ट्राइंगल ए की हेल्प लेते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे वट इज़ गिवन क्या दिया गया है इस थ्योरम के बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि एक ट्राएंगल दिया गया है जो कि अभी राइट right ट्राएंगल नहीं है पर उसमें साइड्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप दी गई है और हम तब प्रूव करेंगे कि एंगल बी 90 डिग्री है और ऐसे में एंगल बी 90 डिग्री होने पर ये ट्राइंगल राइट ट्राएंगल है ये प्रूव करेंगे सो फर्स्ट वी राइट वट एवर इज गिवेन वॉट वी हैव टू प्रूव एंड देन वी विल डू वी टेक द नेक्स्ट पेज गिवेन अ ट्रा एंगल ए बी सी इन विच ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है हमें एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज़ 90 डिग्री ये प्रूव करना है इसके लिए हम फिर से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम जो यहाँ पर ए बी सी है ऐसा ही कुछ यहाँ पर एक और ट्राएंगल बनाएंगे पर वो राइट एंगल ट्राएंगल होगा इस तरह से कि उसकी जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल हो एक साइड वी ड्रॉ इट हियर फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक लेट दिस बी द साइड इक्वल टू ए बी इन लेंथ एंड देन वी विल ड्रॉ वन मोर साइड इक्वल टू बी सी इन लेंथ एंड देन जॉइन दीज टू पॉइंट्स इस तरह से वी गिव इट द नेम एज पी क्यू आर और इस तरह से बनाया है कि जो लेंथ यहाँ पर ए बी की है वही लेंथ पी क्यू ली है हमने और बी सी के इक्वली हमने क्यू आर बनाया है लेकिन यहाँ पर हमने ये एंगल 90 डिग्री का बनाया है एंगल बी अभी हमें नहीं बताया गया है कि ये 90 डिग्री है ये तो हमें प्रूव करना है लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें एंगल क्यू हमने 90 डिग्री लिया है तो इस तरह से एक ट्रा हमने कंस्ट्रक्ट किया है वी वी राइट राइट इट हियर द कंस्ट्रक्शन वी राइट हियर ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू ू दिस इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी हमने इस तरह से ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है बात आ गई समझ में अब हम प्रूफ पर चलते हैं We take the proof now. First we take this triangle पी क्यू आर इन ट्राइंगल angle q this is of measure 90 degree and so by pythagoras theorem we can write what we can write that p r square this is equal to p q square plus q r square Yeh hum समझ रहे हैं आप पी आर स्क्वायेर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर क्योंकि ये राइट right एंगल हमने पहले से ही लिया है कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे ये हाइपोटेनिस स्क्वायर आ गया इक्वल टू पी क्यू स्क्वायेर प्लस क्यू आर दिस पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी सो हियर वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाय सिंस पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड देन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये साइड्स आपस में इक्वल है तो इसीलिए हमने ये जो रिजल्ट था पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर तो पी क्यू की जगह हमने लिख दिया ए बी और क्यू आर की जगह हमने लिख दिया बीसी बट बट इट देखिए आप क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्र ये इक्वल है AC स्क्वेयर के ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और हमारे पास क्या आ रहा है दिस वन इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर तो यहां से क्या रिजल्ट मिला दिस इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वेर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर जहां पर ये दोनों राइट साइड इक्वल हैं तो ये एल एच एस पार्ट दोनों इक्वेश के इक्वल होंगे एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू पी आर लेट दिस बी द फर्स्ट रिजल्ट नाउ वी विल टेक बोथ दीज ट्राइंगल्स नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया है ए सी और पी आर को इक्वल प्रूव कर दिया है यहाँ से ए सी और यहाँ से पी आर और ये साइड्स तो इक्वल थी बाय कंस्ट्रक्शन से ए बी और यहाँ से पी क्यू और यहाँ से बी सी और क्यू आर तो अब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि इनकी करस्पोंडिंग साइड्स आपस में एग्जैक्टली इक्वल हैं सो वी हियर राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर this AB is equal to PQ and also BC is equal to QR. Give the reason again by construction. हमने construction ही ऐसा किया है and then what else? we have AC equal to PR from first result. अभी-अभी हमने ये prove किया है. देखिए आप first result से दोनों equal हो रहे हैं. इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और कॉन्ग्रुएंट होने से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में एक्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे और ऐसा करने से ये एंगल B और एंगल Q ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे दिस एम्प्लाइज दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. गिव द रीजन करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम हैं तो इसलिए इनके करस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. बट एंगल Q इज ऑफ मेजर 90 डिग्री सो वी कैन राइट हियर बट एंगल क्यू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड दिस इज द रिजल्ट विच वी वर लुकिंग टू प्रूव यही तो प्रूव करना था हमें और यही कर दिया हमने क्या है एक बार फिर से देखते हैं कन्वर्स थियोरम में वी वर गिवेन हियर और ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना था कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि एंगल बी 90 डिग्री होगा इस फर्स्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल बी वो 90 डिग्री का होगा ये प्रूव करना था इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया एक और ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल पी क्यू आर ये है राइट एंगल ट्राएंगल जो हमने बनाया है और यहाँ ध्यान रखा कि ये जो पी क्यू ड्रॉ होगी वो ए बी के इक्वल हो और यहाँ से क्यू आर इक्वल हो बी सी के लेंथ में और तब जब हमने ये राइट एंगल ट्रा बनाया है तो इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करने से हमें ये रिलेशनशिप मिल गई इसकी साइड्स में लेकिन पी क्यू तो ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इसलिए हमने यहाँ पर ये रिजल्ट लिख दिया पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो क्वेश्चन में ही हमें ए सी स्क्वायर के इक्वल दिया है इससे ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर जिससे ए सी इक्वल टू पी आर मिल गया और अब हम जब इन ट्राइंगल्स को देखते हैं तो इनकी करस्पोंडिंग साइड्स एग्जैक्टली इक्वल आ रही हैं इस तरह से ये तीनों सेट्स ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं और दोनों ट्राइंगल्स इससे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रोन्स जैसे ही ये कांग्रेंट होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे और क्योंकि क्यू 90 डिग्री का है तो एंगल बी विल ऑल्सो बी ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड विद दिस वी हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल यही हमें प्रूव करना था दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो दीज वर्स आर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आई होप ऑल दिस प्रूव आर क्लियर टू यू प्रैक्टिस दैम वंस अगेन गो थ्रू दैम डू दैम बाय योर ओन हैंड एंड देन यू विल गेट परफेक्शन सून वी विल मीट विद सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पाइथागोरिस थियोरम ओके दैन बाय फॉर नाउ